तो कॉलोनी, और ये कि कहाँ तक पानी आया था देख के पता चल रहा है। ये दिखाओ, यहाँ तक पानी आया था और पानी अभी कमा हुआ है तो वहाँ तक गया हुआ है अभी घर का। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे घर का रास्ता, ये देखिए यहाँ पे कितना पानी, एकदम नदी के जैसा लग रहा है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुनियाबास 441। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो आप लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग। और आप सोचें कि सुबह सुबह मैं कहाँ रास्ते में घूम रही हूँ। ये देखिए मेरी बहन आई है कल रात को, अन्नू। तो क्या हुआ है, आप लोग को पता ही है कि हमारे यहाँ बाढ़ आई है और बाढ़ के वजह से हम लोग ना अपनी सिस्टर के घर पे, हम मेरी पूरी फैमिली आज छः दिन हो गए हम लोग सिस्टर के घर पे ही है। बट क्या है ना फ्रेंड्स, अभी मैंने सुना है कि पानी थोड़ा सा कम हुआ है, तो इसलिए मैं अपने घर जाने के लिए निकली हूँ। क्योंकि मेरे पास ना कपड़े नहीं हैं, मैं दो जोड़े कपड़े घर से लेके एक हफ्ते पहले निकली थी और वही दो जोड़े कपड़े में मैं हूँ। पर मुझे कपड़ों की ज़रूरत है ना फ्रेंड्स, घर पे सारे कपड़े रखे हुए हैं, तो वही कपड़े लाने के लिए मैं जा रही हूँ। और भी कुछ चीज़ें हैं वो मुझे ठीक करनी है, है ना, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। आप लोग भी ब्लॉग पे बने रहिए देखने के लिए कि क्या क्या कुछ हो रहा है, पानी कैसा है, मतलब कहाँ तक है, हमारे घर के अंदर पानी आया है या नहीं आया है, वो सब जानने के लिए आप ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिए। फिलहाल हम लोग ये देखिए हिंदी हाई स्कूल के सामने हैं, और कुछ लोग क्या है अभी हिंदी हाई स्कूल में रह रहे हैं, क्योंकि रहने का तो कहीं ना कहीं ठिकाना तो चाहिए ना, इसीलिए तो आप लोग बने रहिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं आ चुकी हूँ हमारे कॉलोनी, और ये कि कहाँ तक पानी आया था देख के पता चल रहा है। ये दिखाओ, यहाँ तक पानी आया था और पानी भी कमा हुआ है तो वहाँ तक गया हुआ है। अभी घर के अंदर का हालत मुझे नहीं पता, तो मैं अभी जा रही हूँ घर के अंदर। पता नहीं जा पाऊँगी भी या नहीं, क्योंकि मुझे तो डर लग रहा है पानी देख के, पर जाना तो पड़ेगा ही, तो इसीलिए मैंने चप्पल वगैरह यहीं खोल कर रख दिया है। और मैं जा रही हूँ अभी अपने कॉलोनी के अंदर, मैं अभी जाऊँगी और आपको दिखाऊँगी क्या नज़ारा है, तो आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिए। चलो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूरे रास्ते में, इस रास्ते को क्रॉस करके मैं आई हूँ, और पूरे रास्ते में देखिए कैसे पानी हो गया है। और यहाँ पे हमारे मौसा जी जो है मछली पकड़ रहे हैं, और वहाँ पे हमारी दीदा भी मछली पकड़ रही है, और देखिए छोटा छोटा मछली पकड़ रहे हैं। साओ मासगीटा सामो देख लिया, आई उठी तो नाकली नुकी होलो है। ये देखिए इतना छोटा छोटा मछली, देखा है ना बदहू ने तेमर भीतर, ये देखिए पैसी नहीं हो सके। जैसे तैसे करके हम लोग अपने कॉलोनी में एंट्री कर चुके हैं, और मैं यहाँ का फील्ड मैं आपको दिखाऊंगी, जहाँ पे मैं कभी साइकिलिंग करती थी वो फील्ड आप देखेंगे तो कहेंगे कि ये फील्ड नहीं, कोई मतलब क्या बोलते उसे, तालाब है। इतना पानी, अभी तो पानी कम हुआ है बहुत, लेकिन फिर भी प्रेजेंट का जो सिचुएशन है मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ का फील्ड देखिए कैसे पानी भर गया, देख रहे हैं, ये देखिए। पूरा पानी पानी चारों तरफ, अभी पानी तो बहुत कमा हुआ है। हो जमीनी पानी घूमे सी ना घोरत को दसवैतिया घोरते घोरते नहीं की दिया। तो गांव के कुछ मतलब आधे से ज्यादा लोग हिंदी स्कूल में, जो रास्ते के उस पार है हिंदी स्कूल में, गांव के सारे लोग हैं, आधे से ज्यादा लोग हैं। और ये देखिए, ये देखिए घर के अंदर कैसे पानी आया हुआ है। ये हमारे पड़ोस का घर है, कॉलोनी के अंदर का, देख रहे हैं आप। तो हर साल ही ऐसा होता है, क्या कर सकते हैं। कई कई जगहों पे नदी की बांध जो है टूट चुकी है, जिस वजह से पानी सारा यहाँ पे आ गया है, अभी कम रहा है धीरे धीरे। चलिए हमारे घर का सिचुएशन दिखाते हैं। आते आते मेरी हिम्मत में जवाब दे रही है, क्योंकि मैं आपको दिखा दूँ हमारे यहाँ से घर का रास्ता जो है, देखिए कैसे पानी भर गया है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी तो पता लगेगा, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे घर का रास्ता, ये देखिए यहाँ पे कितना पानी, एकदम नदी के जैसा लग रहा है ना, तो आपको लगता है यहाँ जाना पॉसिबल होगा, लग रहा है आपको। यहाँ पे मैं कभी वीडियो शूट करती थी, देखिए इतना पानी हो गया है।
अभी मैं इसके अंदर जाऊं तो जाऊं कैसे, घर के अंदर मैं एंट्री करूं तो करूं कैसे, मैं वही समझ नहीं पा रही। इतना पानी हो गया है यहाँ पे, लग ही नहीं रहा है कि कभी कोई फील्ड हुआ करता था, कभी कहाँ यहाँ पे मैं शूट किया करती थी या कुछ लोग यहाँ पे बैठा करते थे, बिल्कुल नहीं लग रहा है। बाकी यहाँ का एरिया यहाँ पे देखिए पानी वानी कुछ नहीं है, अभी सूख गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं घर के अंदर जाऊं तो जाऊं कैसे। कपड़ों की भी ज़रूरत है, कपड़े हैं और घर पे हैं, कुछ चीज़ें हैं ज़रूरत की चीज़ें। मैं बहुत परेशानी में पड़ गई हूँ, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। अब देखते हैं पीछे के रास्ते से अगर जाना पॉसिबल हो तो वो भी ट्राई करके देखते हैं। बस मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है, मैं थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे सोच रही मैं क्या करूँ, तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कि मैं अंदर जाऊँ, मैं नहीं जा पाऊँगी, और ना ही मुझे तैरना वेरना आता है, ना मैं तैर पाऊँगी, आता भी होगा तो अभी मैं यहीं से वापस जा रही हूँ अनीता के घर, वहीं कुछ करेंगे। क्या कर सकते हैं, उपाय नहीं है मेरे पास, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। सो फ्रेंड्स समझ में नहीं आ रहा, इस वीडियो में यही पेंट करते हैं, छोटा सा वीडियो रहा आप लोग को दिखाने के लिए, यही पेंट करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, हम लोग जा रहे हैं घर। आप लोगों को वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट करके बता दीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। जय माता दी, बाय बाय।